निरओज इलाके में यहूदियों का सामुदायिक किचन है, जहां करीब 400 कर्मचारी काम करते थे। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इस सामुदायिक किचन पर हमला बोला तो कुछ ही मिनटों में 100 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 80 से ज्यादा लोग बताया जाता है कि अगवा कर लिए गए, अपहरण हो चुका है उनका। न्यूज 18 की टीम इस सामुदायिक किचन का दौरा किया, यहाँ के हालात देखकर आज भी युद्ध के इतने दिन गुजरने के बाद भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ घरों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि किबुज निरोज में जो सामुदायिक किचन थे, जहां किबुज के लोग आते थे, खास मौके पे खाते थे, उस किचन में भी आगजनी की। ये किबुज का सामुदायिक किचन कह सकते हैं, गांव का किचन है। देखिए, यहां पहले बुलेट से हमला किया, ये बुलेट के निशान आप देख सकते हैं, यहां कांच नीचे बिखरे पड़े हैं। यहां लोग, गांव के लोग, किबुज के लोग यहीं आकर खाते थे। उस दिन भी सुबह में खाना बनाने की तैयारी थी, शनिवार का दिन था सुबह का, और तैयारी चल रही थी। और ये यहाँ पहले आतंकवादी पहुंचे और इन घरों में, यहाँ देखिए कैमरा पर्सन करम, यहाँ ये देखिए, यहाँ कैसे आग लगा दिया पूरा किचन का। बड़ा किचन है, ये घर का किचन नहीं है। करम अंदर से देखिए ये किस तरह की आगजनी की। यहाँ लोग, यहाँ भी लोग मारे गए हैं, यहाँ क्योंकि 100 से ज्यादा लोग मारे गए, हर जगह कोई ना कोई मारा गया। हम आपको वो तस्वीरें इधर से दिखा रहे हैं, पूरे किचन में आगजनी की गई। सुबह जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको या तो अगवा किया गया या मारा गया। ये हर तरफ कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ तक पहुंचना, आप समझ सकते हैं। एकदम बॉर्डर का गांव है, बॉर्डर का किबुज है। किबुज यानी जैसे गांव भी भारतीय भाषा में हम कह सकते हैं, हिंदी की भाषा में। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीन के 20 लाख लोगों की समस्या सुलझाने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला है, जबकि हमास को इसराइल के वजूद से ही